आपका मेरे चैनल में वेलकम है फ्रेंड्स। आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है रबर। फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारे केमिस्ट्री चैप्टर 15 पॉलीमर्स है। तो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं रबर होता क्या है। फ्रेंड्स रबर हमारा एक नेचुरल पॉलीमर है जिसके अंदर बहुत सारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगेन रबर हमारा एक नेचुरल पॉलीमर है जो बहुत सारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है, इसलिए इसे हम इलास्टोमर भी कहते हैं। तो लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा। रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर एंड पोजेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेचुरल रबर की। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेचुरल रबर होता है वो हमारा लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। अगेन नेचुरल रबर हमारा लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, और आइसोप्रीन का हमारा आईयूपीएसी नेम होता है 2-methyl-1-3-butadiene, इसका आईयूपीएसी नेम होता है। तो हम लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा। नेचुरल रबर मे बी कंसीडर्ड एज द लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन ऑफेंट। इस आइसोप्रीन का आईपैक नेम भी आपको याद होना चाहिए, इसका आईपैक नेम होता है 2-methyl-1-3-butadiene, इसका आईपैक नेम होता है। ठीक है ऑफेंट नेचुरल रबर का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर इस स्ट्रक्चर से पूछता नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दो डबल बॉन्ड यहाँ लगे होते हैं, एक है टी एस एस टी एस टू, यहाँ से टी एस टू से जुड़ा होता है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड लगे होते हैं, ये से जुड़ा होता है, या फिर सी एस थ्री, यहाँ से सी एस से जुड़ा होता है, यहाँ पे एच होता है, यहाँ पे फिर यहाँ से सी एस से जुड़ा होता है, अब दो काम का डबल बॉन्ड होता है, एम से जुड़ा होता है, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे एच होता है, ये सी है कार्बन, यहाँ पे सी एच टू, ऐसे आगे बढ़ते रहता है, यूनिट कार्बन से सी एच टू होता है, ऐसे आगे बढ़ते रहता है, यहाँ पे हमारा सी एस थ्री होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, बस ने रबर का स्ट्रक्चर होता है, ये क्या यहाँ यहाँ से कार्बन से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है ना, सी एस थ्री, और ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो हमारा फ्रेंड्स ये नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर है। अब फ्रेंड्स नेचुरल रबर में एक छोटा सा पार्ट हमारा हो रहा था जिसे हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर फ्रेंड्स ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कई बार एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है। तो हम समझते हैं कि क्या होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर फ्रेंड समझते हैं, ये यू है फ्रेंड। जब हम रबर के मिक्सचर को रो रबर के मिक्सचर को सल्फर के साथ हीट करते हैं और टेम्परेचर हमारा जो होता है वो
373 केल्विन से 2415 केल्विन के बीच में होता है, तो तब हमारी रबड़ वल्कनाइज हो जाती है। जब हम रबड़ को हीट करते हैं सल्फर के साथ और टेम्परेचर हमारा होता है 373 केल्विन से 415 केल्विन के बीच में, तब हमारी रबड़ वल्कनाइज हो जाती है। और जब वल्कनाइज रबड़ होने के बाद जो हमारे जो सल्फर है वो रबड़ के साथ, रबड़ के जो डबल बॉन्ड होते हैं उनके साथ लिंक हो जाता है और जिससे रबड़ हमारी स्टिफन हो जाती है। ठीक है, उसके साथ वो लिंक हो जाते हैं, रबड़ हमारी स्टिफन हो जाती है, मतलब उसकी और ज़्यादा वो इलास्टिक हो सकती है। तो ये हमारा वल्कनाइजेशन प्रोसेस है। अब इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रो रबर विद सल्फर सल्फर एंड and an appropriate additive at a temperature range आपको याद होनी चाहिए 373 केल्विन से 415 केल्विन के बीच में इसकी रेंज होती है, उसे हीट करते हैं 5 है। ठीक है, तो जो वर्कने दबड़ जो होती है हमारी स्टिफन हो जाती है। ऑन वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म, कई बार पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक और लिंक हो जाता है सीधा डबल बॉन्ड के साथ नेचुरल रबर के। डबल बॉन्ड एंड द रबर गैस स्टिफन, तो ये था हमारे इसमें वल्कनाइजेशन प्रोसेस हमारा पूरा प्रोसेस। फ्रेंड्स, वल्कनाइज्ड रबर का भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर होता है, इसी वल्कनाइज्ड रबर का भी स्ट्रक्चर होता है। तो उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है, कार्बन ऊपर, यहाँ पे मिथाइल होता है, यहाँ पे फिर कार्बन होता है CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे सल्फर जुड़ा होता है, यहाँ इस तरह सल्फर जुड़ा होता है, यहाँ पे CH2 होता है और ऐसे आगे बढ़ रहा होता है CH2, ये भी ऐसे आगे बढ़ रहा होता है। फिर सिमिलरली वही कंसेप्ट नीचे होता है, यहाँ पे CH2 होता है सल्फर, यहाँ से ये जो CH2 ये ऐसे आगे बढ़ रहा होता है और ये दोनों फिर इससे आपस में जुड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा CH होता है CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमारा ऐसा होता है CH डबल बॉन्ड CH2 थोड़ी वही ऐसे आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है ना, तो फ्रेंड ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है, बस नहीं रबड़ का फ्रेंड, ये भी आपको याद होना चाहिए। सेकंड एंड जो लास्ट टाइप है रबड़ का वो है हमारा सिंथेटिक रबड़। तो फ्रेंड सबसे पहले समस्या सिंथेटिक रबड़ है क्या। सिंथेटिक रबड़ क्या होता है, हमारा होमोपोलीमर होता है 1-T-butadiene का। सिंथेटिक रबड़ या तो हमारा होमोपोलीमर होगा 1-T-butadiene का या फिर कोपोलीमर होगा। अगेन जो सिंथेटिक रबड़ होते हैं या तो हमारे वो होमोपोलीमर होते हैं 1-3-butadiene के और या फिर कोपोलीमर होते हैं 1-T-butadiene के। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। सिंथेटिक रबड़ Synthetic rubbers are either homopolymer of 1-3-butadiene or copolymer of
बंसीबुटाडाइन। कोई बताया मैंने कि या तो हमारे होमोपोलीमर होंगे बंसीबुटाडाइन के या फिर कोपोलीमर होंगे। और इसके एग्जांपल आते हैं हमारे एग्जांपल सिंथेटिक रबर्स आर इसके दो एग्जांपल हैं और एक नियोप्रीन है और एक गुना एन है। नियोप्रीन एक है हमारा गुना एन इसको तो एग्जांपल है फ्रेंड्स। एग्जांपल्स के और भी बहुत सारे पर ये इन्हें स्टडी करेंगे क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में है। इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नियोप्रीन की। नियोप्रीन हमारा तब बनता है जब हम क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं। जो क्लोरोप्रीन है वो हमारा नियोप्रीन का मोनोमर है और मैंने आपको बताया था कोई भी पॉलीमर हमारा मोनोमर की हेल्प से ही बनता है। तो जब हम क्लोरोप्रीन मतलब जो नियोप्रीन का मोनोमर है उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तब हमें नियोप्रीन बनता है। तो आपको याद रखना है कि इसका मोनोमर क्या है हमारा क्लोरोप्रीन। तो इसको हमें लिखते हैं नियोप्रीन इज फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। फ्रेंड्स ये हमारा क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है। याद होना चाहिए फ्रेंड्स इनका स्ट्रक्चर क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए बोल देता है कई बार। तो आप इसको रिएक्शन करके दिखाएंगे इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा क्लोरोप्रीन और फ्रेंड्स इसका जो हमारा आईपैक नेम है वो है हमारा 2-chloro-1,3-butadiene। ये सारा आईपैक नेम है ठीक है। जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं पॉलीमराइजेशन ठीक है। इसको पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है नियोप्रीन मिल जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट होता है CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे सिंपल हो जाता है। यहाँ पे तीसरा डबल बॉन्ड आ जाता है CH2 हमारा ऐसे ही रहता है। CH2 ये डबल सिंगल हो जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है CH2 का डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है। इसके ऊपर ये रह जाता है और ये हमारा बन जाता है एंड यहाँ पे लगती नियोप्रीन। कुछ नहीं हुआ जब हमने क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन किया ये डबल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल हो गया और कार्बन और CH के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ठीक है। तो ये नियोप्रीन बन जाता है। फ्रेंड्स नियोप्रीन की यूजेस क्या होते हैं ये आपको बताना चाहिए। फ्रेंड्स पहला नियोप्रीन का यूज है कि हम ये हाउसेस बनाने के इस्तेमाल करते हैं। जो घर में जो गैस की जो नलियाँ होती है ना उसे बनाने के नियोप्रीन का इस्तेमाल करते हैं और ये हाउसेस बोलते हैं। और फ्रेंड्स हम ये कन्वेयर बेल्ट बनाने के इस्तेमाल करते हैं। आपने इंडस्ट्री में देखा होगा कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो बेल्ट में घूमते रहते हैं आगे पीछे जाते रहते हैं। वो जो बेल्ट होती है वो इसी नियोप्रीन की बनी होती है। पहला एक ही डीफो मेकिंग हाउसेस हाउसेस मतलब जो गैस की जो नलियाँ होती हैं पाइप होते हैं वो मेकिंग हाउसेस। और सेकेंड है हमारा रीयूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट। तो फ्रेंड्स ये थे क्या यूजेस और ये था नियोप्रीन का पूरा पार्ट। अब फ्रेंड्स सेकंड एग्जांपल है हमारा बुनाइन। तो फ्रेंड्स बुनाइन हमारा तब बनता है जब हम बंसी ब्यूटाडाइन का और एक्रिलेट नाइट्राइल का एक साथ कोपॉलीमराइजेशन करते हैं तब हमारा ब्यूटाडाइन बनता है। और इसमें हम कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं पेरोक्साइड। अगेन बुनाइन हमारा तब बनता है जब हम 1,3 ब्यूटाडाइन का प्लस एक्रिलोनाइट्राइल का एक साथ कोपॉलीमराइजेशन करते हैं तब हमारा बुनाइन बनता है। और इसके कोपॉलीमराइजेशन में हम कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पेरोक्साइड H2O2 से बोलते हैं। तो लिखते हैं हमारा बुनाइन इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ को पहले वाले नियोप्रीन के इसमें पॉलीमराइजेशन है इसमें कोपॉलीमराइजेशन है कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-butadiene
एंड एक्रोनाइट्राइल ACRYNO एक्रोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड कैटलेज। आपको याद होगा एक्रोनाइट्राइल हमने एडिशन पॉलीमर में भी इस्तेमाल किया था। तो ये हमारा वन सी ग्रुप ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या आ रहा 1,3 ब्यूटाडाइन दिखाएंगे ना कि कैसे। और ये हमारा एक्रोनाइट्राइल आपको याद होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH क्या था हमारे एक्रोनाइट्राइल ACRYNO एक्रोनो नाइट्राइल। कोई फ्रेंड यहाँ पे एलो है एक्रोलो नाइट्राइल और उन्होंने गलती से एन ले लिया एक्रो नाइट्राइल। तो जो हम इसका क्या करते हैं कोपॉलीमराइजेशन करते हैं। तो इसका कहेंगे कोपॉलीमराइजेशन को पॉलीमराइजेशन। तो तब बनता है यहाँ पर बुनाइन। बुनाइन कैसे बनता है ऐसे बनता है मैं नीचे लिख रहा हूँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2। मैं इसे ऑन लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा हो रहा है। हमारा बनता है यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख लीजिए आप। हमारा बनता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH। यहाँ पे CN जुड़ा होता है ये हमारा बन जाता है बुना एन। सिंपल सा कंसेप्ट हुआ जहाँ पे डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया जहाँ पे सिंगल था वो डबल आ गया यहाँ पे और बाकी सिंपली ऐसे जुड़ गए जुड़ गए। यहाँ पे डबल था सिंगल हो गया यहाँ पे सिंगल था डबल हो गया यहाँ पे डबल था यहाँ पे सिंगल हो गया यहाँ पे डबल था यहाँ पे सिंगल हो गया और बाकी सिंपली जुड़ गए जुड़ गए। ये बन गया बुना एन। अब फ्रेंड इसके मैं यूजेस बता देता हूँ यहीं पे जल्दी से। फ्रेंड इसकी यूजेस ये होते हैं इसे हम ऑल चीज बनाने के इस्तेमाल करते हैं इसे हम ऑल चीज बनाने के इस्तेमाल करते हैं और टैंक की लाइनिंग इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑयल सील ऑयल सील बनाने के इस्तेमाल करते हैं एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग टैंक लाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज फॉर मेकिंग टैंक लाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है। तो फिर ये हमारा बुना एन का पार्ट और हमारे पूरे रबड़ का पूरा पार्ट। तो फ्रेंड्स आज हमने टॉपिक सीखा रबड़ हमारी दो तरह की होती है नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड मेरे यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोज है तो अगर आप फ्रेंड्स उन्हें देखते हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आप मेरी वीडियोज को भी सब्सक्राइब करना लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर कोऑपरेटिंग मी।